हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना। और तेजी ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कुड़क मुर्गी की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मुर्गी जो है वो अंडा देती है, और अंडा देने के बाद जो प्योर देसी मुर्गी होती है दोस्तों, वो कुछ टाइम के लिए कुड़क हो जाती है। कुड़क होने का मतलब है कि मुर्गी अब अंडे में से बच्चा निकालने के लिए ये रेडी हो चुकी है। और अगर हम मुर्गी के नीचे अंडे रखेंगे तो वो ठीक 21 दिन बाद उनमें से बच्चा निकालने में सक्षम रहेगी। और उससे पहले जो प्रोसेस होती है वो हम कैसे पहचान करेंगे कि मुर्गी जो है वो हमारी मुर्गी कुड़क हो चुकी है। कुड़क मुर्गी की पहचान के लिए आओ हम आपको दिखाते हैं कि मुर्गी की पहचान कैसे होती है। ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि कुड़क मुर्गी एकांत में बैठी रहेगी, छुप छुप कर बैठेगी, और ये देखिए इस तरह की आवाजें निकालेगी। अगर आपकी मुर्गी इस तरह की आवाजें निकाल रही है तो आप देख सकते हैं मुर्गी, ये देखिए आप, मुर्गी अगर आपकी ऐसी आवाजें निकाल रही है तो आप उससे पहचान सकते हैं कि आपकी मुर्गी कुड़क हो चुकी है। और इसके नीचे आप अंडे रख सकते हैं। आप मुर्गी के नीचे अंडे रखेंगे तो वो 21 दिन बाद उसमें से बच्चे निकालेगी। और दोस्तों, ये अंडे में से बच्चे निकालने की जो क्वालिटी है सिर्फ और सिर्फ देसी मुर्गी में ही होती है। जो ये फार्मी या कोई इस तरह की जो इंक्यूबेटर में निकाली गई मुर्गी हैं, बच्चे हैं जो हम इंक्यूबेटर से बच्चे निकालते हैं, वो कभी भी इस तरह सेवा नहीं मांगती है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी, ये देखिए ये आवाज सिर्फ और सिर्फ कुड़क मुर्गी की ही होती है दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह की आवाज अगर आपकी मुर्गी निकाले तो आप समझेंगे आपकी मुर्गी जो है वो कुड़क हो चुकी है। तो दोस्तों, कुड़क ये थी कुड़क मुर्गी की पहचान। आप इस मुर्गी के नीचे अंडे रखें और 21 दिन के बाद निसंदेह ये मुर्गी अंडों में से बच्चे निकाल देगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।